उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयनित 31,277 सहायक अध्यापकों को शुक्रवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, जिसके तहत जनपद गोरखपुर में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में 256 महिला सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। प्रभारी मंत्री ने जनपद के सभी नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी शिक्षक अपने विद्यालयों में जाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जिससे वह बच्चे आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करें। वहीं नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हुए नवनियुक्त सहायक अध्यापकों से बात करने पर उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया तथा खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, खजनी के विधायक संत प्रसाद, महापौर सीताराम जायसवाल, जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, बीएसए बीएन सिंह सहित नवनियुक्त महिला सहायक अध्यापक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनियुक्त महिला सहायक अध्यापिकाएं तथा प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, एक आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ,
मैं भगवान राम का पड़ोसी हूँ। भगवान राम के पड़ोसी होने के नाते कुछ चीजें उधर भी करना चाहता है। भगवान राम जब पढ़ाई करने गए तो गुरु के घर गए, आज तो गुरु से हम भगवान बच्चों के घर आता है, जाता नहीं कुछ चिंता नहीं। लेकिन भगवान राम स्वयं गुरु के घर गए, वहां शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद आए, वो शिक्षा ग्रहण किया कि शिक्षा ग्रहण करने के जब घर आते हैं गुरु गए गए पढ़ने में बुराई अन्य प्रकार शिक्षा सब पाई पाई हो गया। लेकिन क्या शिक्षा मिली उनको? आज की शिक्षा में उस शिक्षा में अंतर है। जो उस भ्रष्टा शिक्षा को आप सबकी जिम्मेदारी है उसको माना, कैसे प्रातः काल उठकर कर माता और माता पिता गुरु नाम में माता, यही है ना, सवेरे उठकर के माता पिता का और गुरु का प्रणाम करने के बाद में पांव पकड़ कर जाने आप बताओ आगे काम करने आ गए थे आप तो मेरा देखा है कि बाप अपना बाप की चिंता छोड़ करके किस चिंता में चले जाते हैं, पढ़ाई खैर कैसे चले जाते हैं। लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी है उसी शिक्षा को आर्थिक व्यवस्था के अनुसार उसका परिवर्तन करना है, लाना है और वो शिक्षा देना है जिससे आपसी तालमेल बना रह जाए, सारी व्यवस्था बना रह जाए और हम सब मिल करके एक साथ शिक्षा के माध्यम से इस देश का परिवर्तन करने के लिए एक बार फिर से जगह गुरु बनाने की व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम सब संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज जो भी सरकार ने इस प्रकार की सारी व्यवस्था करके इतने शिक्षकों को एक साथ नौकरी दे करके नियुक्ति पत्र दे करके सबको आगे बढ़ाने में काम किया है, धरना दिया है। मैं इस अवसर पर अपने जनप्रतिनिधियों का भी, अपने अधिकारियों को भी और आप सबका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ आने वाले दिन में हम सब मिलकर के इस व्यवस्था को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा काम जिस नाते हमको सौंपा गया है भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, लोग जाने के लिए हम अपने बच्चों को पार पड़ोस के व्यवस्था करके खड़ा गए, छोटे से पौधे को सिंचाई करके व्यवस्था करके देखभाल करके बड़ा कर दिया जाता है तो फल मिलने लगता है। लेकिन जहाँ उसे छोड़ दिया जाता है तो पता लगता है जानवर करके तरीके व्यवस्था नहीं हुई, इसलिए मैं चाहता हूँ छोटे बच्चों को छोटे बच्चे एकदम से मिट्टी के लोने हैं, मिट्टी के लोने को मिट्टी के घर को जब कुम्हार के हाथ में आता है तो कुम्हार उसको बढ़िया सा बना करके चाहे जो बढ़िया बना दे चाहे अनेक प्रकार की चीजें बना करके वो तैयार कर देता है तो मिट्टी से ज्यादा उसकी हैसियत बढ़ जाती है। आप सबकी जिम्मेदारी है छोटे छोटे बच्चों को जो इस प्रकार के मिट्टी के लोने हैं उनको एक प्रकार से बढ़ा करके और उनको समाज में आने के लिए व्यवस्था करने के लिए उनको तैयार करके करने के हम जानते हैं कि समाज सुधार के लिए तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबकी महती जिम्मेदारी है और जितनी जिम्मेदारी के साथ आप इस सबको काम पूरा कर सकते हैं आइए हम सब मिलकर के उन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए हमको काम करने की आदत डालने के लिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस नाते अभिनंदन करता हूँ कि आप अपना अपना समय दे करके उन छोटे छोटे बच्चों को संभाल करके सुधार करके और राष्ट्र भक्त बना करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत दूसरा नाम शबाना खातून डॉक्टर ऑफ बशीर अहमद की अपील है। शबाना खातून जी आप भी किसी शिक्षा परिषद जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अवसर आपके जीवन में असीम खुशियां लेकर आया है। पूर्णिमा डॉक्टर ऑफ प्रदीप कुमार अपने सभी को अपना नाम प्रियंका बहुत बहुत शुभ।
इधर देखिए इधर हम ठीक इधर देखिए सभी सफर सहायक अध्यापकों को शुभकामनाएं। आगे बढ़िए फोटोग्राफी होगी नियुक्ति प्रमाण पत्र आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना में हम बेसिक शिक्षा विभाग दीक्षा राय सर मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आखिर में मतलब ये कर दिया और दे दिया नियुक्ति पत्र मुझे बहुत अच्छा लगा मैं बहुत खुश हूँ। कितने दिनों से ये सर 2 साल होने को हो गए थे और लंबित था मामला न्यायालय में फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया 31,277 बच्चों की नियुक्ति के लिए जो कि मुख्यमंत्री जी ने किया और सर उसी में मुझे नियुक्ति मिली है मैं बहुत खुश हूँ। मंत्री जी ने बात की क्या क्या बोला क्या सर मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस संबोधित किया क्या बोला सर उन्होंने कहा कि मतलब आज 31,277 बच्चों को नियुक्ति दी जा रही है और हम योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे जैसा कि उन्होंने किया भी है कि उन्होंने योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया और हर नियमों का पालन करते हुए ये नियुक्ति की जा रही है। बोला कि जहां भी नियुक्ति देंगे वहां काम करेंगे जी 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 हाँ हाँ उन्होंने कहा कि ये भी कहा उन्होंने कि हम जहाँ भी आप लोग को नियुक्ति देंगे आप वहाँ काम करेंगे और एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। कुसुम सिंह जी सरकार जो कहा वो किया उन्होंने कहे कि हम देंगे तो उस टाइम पे हम लोग को दे दिए नियुक्ति पत्र। बहुत दिन से चल रहा सर मैटर ही बहुत दिन से चल रहा है 10 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया। कैसा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है। मंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस संबोधित किया गया क्या कहा गया मोदी जी वही कहे हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाएंगे और शिक्षा को ऊँचाइयों तक ले जाइए। सुनीता सिंह सरकार अच्छी है अच्छा काम कर रही है हम लोगों के लिए। मामला लटका था हाँ कोर्ट में वो अब भी कोर्ट में विचाराधीन है मामला लेकिन सरकार ने हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। सरकार अच्छी है अच्छा कर रही है हम लोगों के बारे में। मुख्यमंत्री जी ने आप लोग से क्या कहा कि आप लोग रोज स्कूल जाइए और अच्छे से काम करिए प्रेरणा लक्ष्य यूपी उत्तर प्रदेश को 2022 मार्च 2022 तक प्रेरक प्रदेश बनाइए। स्मिता सिंह कैसा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं शिक्षा मित्र हूँ इसलिए और हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने बहुत बहुत ज़्यादा ही तपस्या की है। मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस संबोधित किया क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संबोधित करते हुए यही कहा है कि हम विद्यालय में जाएं और जो हमारा लक्ष्य है मिशन प्रेरणा का वो पूरा करें। प्रतिमा यादव सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है जी सर नियुक्ति पत्र दिया गया है कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो वो कहे कि जैसे बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है विद्यालय में जाके कहना चाहेंगे सरकार के बारे क्या सरकार के बारे कुछ कहना चाहेंगे नहीं बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को जो नवनियुक्त टीचर्स आए हैं शिक्षक आए हैं जो कोई शिक्षा मित्र के रूप में था या वैसे बेरोजगार रूप में था हमारी सरकार ने उन सबको मौका दिया परीक्षा हुई व्यवस्था हुई अब आज पूरे प्रदेश भर में 31,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है रोजगार दिया जा रहा है हमारी सरकार की व्यवस्था है कि हर प्रकार से उनको सुविधाजन के सबको रोजगार दिया जाएगा रोजगार के साथ साथ व्यवस्था की जाएगी हमारी सरकार ने किया है माने योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने वो एक जगह ज्वाइन करके पूरे प्रदेश भर में हर जगह जा रहा है। हमको लगता है 499 गोरखपुर में आज बांटा गया है लड़कियों का भी है अलग से कहना चाहेंगे
कुछ कहना चाहेंगे इन शिक्षक नए शिक्षकों के लिए? इनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि ये लोग इतना बढ़िया शिक्षक बने कि आने वाले लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ करके देशभक्त बनाए, सारी व्यवस्था ठीक करें।